इसमें मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट का बराबर बराबर कॉम्बिनेशन देकर के इस फ्रेम के ऊंचाई के बराबर एक इंची पहले बराबर कर देता हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देता हूँ। पानी छोड़ने के बाद मैं उस पर बिचड़ा, फूला हुआ बिचड़ा रहता है, जो बीज हम उपचारित करके एक दिन पहले रखते हैं उसे अंकुरित हो जाता है। उसके बाद उस अंकुरित बीज को हम इस पर डालते हैं, बीज से बीच में सटे नहीं, इस तरीके से पूरे बिचड़ा को फैला देते हैं। उसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट से इसको ढक देता हूँ। उसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं, ढक देते हैं कोई पोलोथीन या चट्टी वाला बोरा से। जब बिचड़ा एक से दो दिन में वो बिचड़ा सुई के जैसे, नुक के जैसे निकल जाता है। उसके बाद उस पर हम पानी की फवारा एक रोज देता हूँ, फिर उसको बांध करके पानी उसमें लगातार छोड़ देता हूँ, जिससे वो चट्टी नुमा बिचड़ा तैयार हो जाता है। इसमें हमको कम मजदूरी, लागत कम, उपज ज़्यादा होता है। चूँकि 10 से 12 15 दिन में हम बिचड़ा ही रोप देते हैं पैडी ट्रांसप्लांटर के द्वारा।